वेलकम बैक। जब भी हम डिजर्ट्स की बात करते हैं तो पहले मन में ख्याल आता है बेक्ड डिजर्ट्स, जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज और ना जाने क्या क्या। आज के एपिसोड में हमने देखा एक बेहतरीन ड्रिंक बनाया था, बहुत रिफ्रेशिंग और शपैंग से भरा हुआ। फिर उसके बाद बनाया हमने अच्छा खासा डक ब्रेस्ट, जो बहुत ही लोडेड था फ्लेवर्स के साथ। तो मैंने सोचा है कि आज एक बेक्ड योगर्ट का डिजर्ट बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक मस्त वाला बोल, और इस बोल में हम डाल देते हैं योगर्ट और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कैस्टर शुगर। इसमें हम अब डालेंगे मिल्कमेड। मिल्कमेड से किसी भी डिजर्ट को बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब इसे ब्लेंड करना है हमने। इसे एकदम स्मूथ पेस्ट में फॉर्म करने के बाद हमने इसे भर देना है ऐसे छोटे बोल्स में। अब ये हो गया तैयार बेक होने के लिए, लेकिन इसमें शपैंग तो है ही नहीं, तो कुछ ऐड कर देते हैं। लेट्स ट्राई रोजमेरी दिस टाइम। रोजमेरी से बहुत अच्छा सूदिंग फ्लेवर मिलता है किसी भी डिश को, और बहुत ही फ्लेवरफुल हर्ब है ये। तो इसके छोटे छोटे एकदम टुकड़े करके इस डिजर्ट में डाल देते हैं। एक छोटे फोक के साथ इसे मिला देते हैं। जब ये बेक हो जाएगा तो इसमें रोजमेरी का जो फ्लेवर है वो बेहतर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ये। तो इसे अब हम रख देंगे एक डबल बॉइलिंग ट्रे में और इसे बेक कर देंगे 20 मिनट तक एक गर्म ओवन में। एक्चुअली ये डिजर्ट बनने के बाद इसे हमें रखना पड़ेगा फ्रिज में कम से कम 2 घंटों के लिए। बट आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू वेट 2.5 hours टू हैव सच अ वंडरफुल डिजर्ट, सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ कपल ऑफ बैचेस एंड आई हैव केप्ट देम इन द फ्रिज। लेट्स ब्रिंग देम आउट। बेक होकर ठंडा होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा टॉप पे। हमने इसे गार्निश कर देना है। गार्निश के लिए मैंने सोचा है कि शुगर का कोई गार्निश बनाया जाए और उस शक्कर को पिघला देते हैं, देखते जाइए क्या होता है। हम और एक काम कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा जो ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल लगाकर इस टेबल टॉप को थोड़ा सा बेस्ट कर लेते हैं। देखिए शुगर पिघलने को शुरू हो गई है। इस पैन को उठाकर थोड़ा सा घुमा लेते हैं शुगर को, ताकि इवनली शुगर जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इस शक्कर को लेकर इस शक्कर के साथ आप तरह तरह के शेप्स बना सकते हो। अब हम इसे यूज करेंगे गार्निश के तौर पर। तो चलें अब मेल्टेड शुगर के फॉर्मेशंस को हम यूज करके बेक्ड योगर्ट को गार्निश कर देते हैं कुछ इस तरह से। या कुछ इस तरह से हमें चाहिए तो हम इसमें
एक छोटा सा स्प्रिग डाल सकते हैं रोजमेरी का, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस बढ़िया से सोल फूड के बहुत करीब होने वाले डिजर्ट का देख लीजिए क्विक रिकैप। बेक्ड योगर्ट विद रोजमेरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल में 400 ग्राम योगर्ट, पिसी हुई शक्कर 20 ग्राम, 350 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, सबको एक बोल में डालकर ब्लेंड करें। स्मूथ पेस्ट बनने के बाद इसे हम एक छोटे बोल में डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम 15 ग्राम बारीक कटी हुई रोजमेरी अच्छे से मिक्स करेंगे। इन छोटे बॉल्स को एक डबल बॉइलिंग प्लेट में 20 मिनट तक ओवन में पकने के लिए रख दें। जैसे ही योगर्ट पक के तैयार हो जाएगा उसको हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसको गार्निश करने के लिए एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें हम 30 ग्राम शुगर डालेंगे और उसको तब तक मेल्ट होने देंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन लिक्विड ना बन जाए। टेबल टॉप पे 2 छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे और जैसे ही शुगर लिक्विड तैयार हो जाएगा उसे हम ऑलिव ऑयल पर डाल देंगे जब तक कि शुगर लिक्विड ठंडा ना हो जाए। इसके बाद एक टूथपिक की मदद से हम शुगर लिक्विड की डिफरेंट शेप्स को उठा के रेडी योगर्ट के साथ गार्निश करेंगे और साथ ही ऊपर रोजमेरी डालकर सर्व करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि मिल्कमेड का कॉन्टेस्ट जारी है, आपको बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बनानी है मिल्कमेड को लेकर और हमें भेज देनी है, उनमें से चुनूंगा मैं एक बेहतरीन रेसिपी जो हो सिंपल और क्रिएटिव, और वो रेसिपी जीत सकती है ये बढ़िया सा गिफ्ट हैम्पर मिल्कमेड की तरफ से। मैंने बहुत सारी रेसिपीज आपकी देख ली जो बहुत एक्साइटिंग थी, पूरी शपैंग के साथ भरी हुई थी। मेरे ख्याल से शपैंग का जो वायरस है वो आपके अंदर भी घुस चुका है, और इस बार का विनर है कंचना राव फॉर द रेसिपी आमंड बास्केट्स। Congratulations, Kanchana Rao. One of the very exciting things which I always enjoy doing is reading all your mails. And the response is so overwhelming. Thank you all.